हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो देखते हुए आप सभी एंजॉय करते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही थी जो भी काम, सभी कुछ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, हम जो पहले आप सभी के साथ वीडियो शेयर किए हुए हैं काष्टा साड़ी में, तो वही उसी का पार्ट हमारा ये है। जो वीडियो लंबी होने के कारण जो है हम दो पार्ट में ये कर दिए हैं वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स जो हमारा क्लीनिंग वगैरह का जो भी हमने कर घर का किए हुए थे वो भी जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे इससे अगला पार्ट जो है हम अपलोड किए हुए हैं, तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से जो है हमारा वीडियो ख़त्म हो गया था, आप लोग के साथ हम शेयर किए हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट बेडरूम को और सभी वो सबको क्लीन करने के बाद जो है हम वीडियो आप लोग के साथ एंड कर दिए हुए थे, और यहाँ से जो है उसी पार्ट हमारा दूसरा हो गया था, तो ये पार्ट हम आज अभी शेयर कर रहे हैं। तो एक ही रोज़ भी दोनों ही चले गया है, क्योंकि आज सुबह पे वो वीडियो हमने अपलोड किए हुए थे और अभी के टाइम में जो है शाम को ये वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फुल वॉच कीजिएगा, और जो भी मेरा आज का रूटीन है जो भी मैं कर रही हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उस वीडियो में कमेंट भी आए हुए हैं कि मैम ये धोती साड़ी स्टाइल में आप पहने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो पहले भी ऐसी टाइप का जो है पहनती थी काष्टा साड़ी, और आप किस टाइप का बोल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे जो है माला के दुनिया ही है, तो वहाँ पे DM कर दीजिएगा फॉलो करके, तो हम देख लेंगे, तो उस स्टाइल में हम बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो है हम लेके आ जाते हैं सारा कपड़ा जो हमें वॉशिंग करना था, और बच्चे लोग भी अभी हॉस्टल जाने की तैयारी चल रहा है, तो हम ये कपड़ा वगैरह बच्चे लोग का जो है बचा हुआ तो वो सबको वॉश कर देते हैं। अभी एक दो दिन में बच्चे लोग भी हॉस्टल चले जाएंगे, इसके वजह से बच्चे लोग का कपड़ा यहाँ पर ले कर आ गई हूँ मैं। और फिर यहाँ पे जो भी हमारा पार्ट है सभी को हम वॉश कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि बच्चे लोग का कपड़ा में कैसा है, नए हैं सब कपड़ा, तो वो काला बर्तन वगैरह मैं साफ़ करती हूँ ना, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बर्तन भी पड़ा हुआ है, तो ये सब साफ़ करती हूँ तो कैसा धूल वगैरह रहता ही है और बर्तन का काला भी लग जाता है, तो वही सब साफ़ करके और फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं वॉशिंग। और इसमें जो है आपको क्लोथ वॉशिंग में जो है आपको देखने को मिलेगा कि मेरे जो पैर फिट जो है आप लोग को दिखेगा, क्योंकि धोती तो किस तरह से होता है मैं देखूंगी यूट्यूब पे। और इस तरह से हमने अभी कर लिए हुए हैं क्योंकि साड़ी जो है हमारा भीग जा रहा था और पैर में भी फंस रहा था, तो इसी वजह से हम जो है इस साड़ी को ऊपर कर दिए हुए हैं। और जो भी हमारा यहाँ पे कपड़ा हम लेकर आई हूँ तो सबको सरफ में हम बोर दे रहे हैं और उसके बाद वॉश करेंगे। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी वो भी बताइएगा, और जो भी प्यारे फ्रेंड्स का कमेंट रहता है वो तो हम करने की कोशिश करते हैं, किसी का परफेक्ट बनता है किसी का नहीं भी बनता है, तो कोई नहीं, हम आप लोग का रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं ज़रूर काष्टा साड़ी देख के और आपको मिलता है वो वीडियो आप लोग को किस तरह से पहनना चाहिए तो हमें ज़रूर मेल कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे जो भी मेरा बच्चा कपड़ा है उसे मैं अच्छे से कर रही हूँ मसल मसल के साफ, और साड़ी में देखिए ये साड़ी कितना मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि अभी जो है ना सारा हमारा काम हो गया था, नहा धो के सभी हो गया था, लंच वगैरह सभी हो गया, उसके बाद मैं तैयार हुई काष्टा साड़ी पहनी। इस बीच में जो है मेरी सासू माँ वगैरह जो है दरवाजे पे थी, तो मैं सोची कि ये साड़ी पहन के कोई मेरे पे हंसे ना, मैं इस तरह का वीडियो बना लेती हूँ, इसी वजह से मैं जो है फ्रेंड्स वीडियो बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। और बहुत ही ऐसा नहीं क्या अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बहुत ही ऐसा कोई देख लेगा तो क्या सोचेंगे, तो ये वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रही थी, लेकिन ये साड़ी पहन के हम फुल काम किए जो भी मेरा काम था आज का।
सभी मैंने काम किया इस साड़ी पहन के। तो ये जो है अभी आपको लग रहा होगा कि काष्टा साड़ी स्टाइल में ही है, क्योंकि मैंने पूरे तरह से इसका जो है पैर से ऊपर कर लिए हुए हैं नीचे से, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि कपड़ा भीग भी रहा था हमारा साड़ी, और इसके वजह से भी हमने कर लिया इस तरह से ऊपर। और जीन्स धोना तो मेरा पहले से ही हालत ख़राब हो जाता है जीन्स जब रहता है, चाहे बच्चे का रहो हस्बैंड जी का रहो, मुझे जीन्स धोना पसंद नहीं है। अब जो है कपड़ा को मसल के हो गया है, उसका जो गंदा था वो सब निकल गया है। अब जो है वॉशिंग का टाइम आया है तो वॉश कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब ये वीडियो में हमारा ज़्यादा व्यूज रहेगा, ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे, तो हम ज़रूर आप लोग का जो है नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिए हमारी, ज़्यादा जो वीडियो में सपोर्ट मिलता है ना फ्रेंड्स, तो हम भी उसी के पीछे लग जाते हैं, सोचते हैं कि व्यूज मिलेगा तो थोड़ा बहुत हमें अर्निंग भी हो जाएगा, इसी वजह से भी हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, और ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितना भी फ्रेंड्स देखते हैं ना, तो लाइक उतना भी मिलेगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन लाइक उतना नहीं मिलता है, कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो जैसे भी लगते हैं ना आप लोग को, प्लीज़ हमारे वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड्स, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, न्यू फ्रेंड्स है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी हमारा डेली लाइफ रूटीन आप सभी को देखने को मिलेगा। कपड़ा वॉश करके हो जाते हैं तो सभी को हम वॉश करने के बाद यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी बर्तन है डिनर का लंच का, तो सभी हम अभी साफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बेटी आ जाती है खेलने के लिए, मम्मी आपके साथ खेलना है, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी मेरे जो काम है और वीडियो भी मैं शूट कर रही, तो अभी मैं नहीं खेलूँगी। और बोल रही है वो जो हमारे साथ खेलो मम्मी, क्योंकि अभी हॉस्टल तो हम लोग चले जाएंगे इसके लिए भी, तो वो जिद कर रही थी, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी बच्चे को कि मुझे अभी काम है, मैं ये सब करने पूरा करने के बाद ही मैं तुम लोग के साथ खेलने आऊँगी। जैसे कि आप लोग वीडियो में पुराने वीडियो में हमारे देखे होंगे कि बच्चे लोग के साथ टाइम बिताती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से मेरे पीछे लगी है। और साथ में हम बर्तन भी घस लेते हैं, बाकी बहुत सारा भी काम बाकी है, साफ सफाई मेरा हो गया है आंगन का, घर का और दरवाजे का, सिर्फ यही काम था बर्तन वॉश करना, और उसके बाद जो है कपड़ा जो धोई हुई हो ना तो उसको सुखाऊंगी, और ये सब करने के बाद ही मुझे जो है फुर्सत मिलने वाले है। और मच्छर भी इतना काट रहे थे ना, शाम होने को आया लेकिन बहुत मच्छर काट रहे थे, तो यही थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, मच्छर भी काट रहे हैं हमें। और सभी जो हमारा बर्तन है सबको हम इस तरह से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे हम रखे हैं डब्बे पे, क्योंकि डब्बा पानी का पानी भर दिए हैं, उसके बाद ये डब्बा रखे हो तो कठौती जो है निकल जा रहा था, तो हम कढ़ाई नीचे रखी, उसके बाद कठौती रखी हूँ। और सुबह शाम जो है मुझे इस तरह से करना ही पड़ता है, जिस रोज़ हम डिनर खा के और बर्तन वॉश कर लेते तो सुबह में नहीं होता है, धोना नहीं पड़ता, लेकिन शाम के टाइम जो है धोना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि जो शाम को हम लोग डिनर करेंगे तो उस टाइम लगेगा बर्तन, और बच्चे जब घर में रहते हैं तो बर्तन ज़्यादा ही हो जाता है। सभी के घर में होता होगा, मेरे ही सिर्फ घर में नहीं, क्योंकि सबके घर में बच्चे लोग रहते हैं तो बर्तन आपको थोड़ा थोड़ा करके जमा ही हो जाता है पाट पे, जो जहाँ पे भी धोते हैं बेसिंग में जहाँ पे भी। तो बर्तन जो है मेरा हो गया था, कपड़ा भी वॉश करके हो गया था, मैंने सबसे पहले कपड़ा यहाँ पर रखी ला के, और फिर उसके बाद बर्तन, तो मुझे जो है उठाना जो है ना नहीं मैं जे हो पाएगा, तो हस्बैंड जी को बोली कि कपड़ा रख दीजिएगा ऊपर। और हमारा जो है बतख नदी से चर के आ गए हुए थे,
तो ये बतख देखिए, तो अभी बतख को दे दिए हैं गेहूँ खाने के लिए, और बतख गेहूँ खाते हैं, पानी पीते हैं क्या, और थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बच्चे बतख पार्टी कर रहे, देख सकते गेहूँ का। अब जो है मैं चल रही हूँ, और मच्छर इतना काटे हुए ना फ्रेंड्स, तो मैं चल रही हूँ अभी छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। बहुत मच्छर काटे हमें, और उसके बाद सोची मैं यहाँ पे सुबह में जो कपड़ा सुखाई हुई थी ना नहाने के बाद, टावल वगैरह, तो वो हमारा यहाँ था सूखा हुआ, तो निकाल ही रहे थे। तो हस्बैंड जी बोले छोड़ दो, अभी मत निकालो, इस रस्सी पे सुखा लो कपड़ा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं इसी रस्सी पे सभी कपड़ा सुखाऊंगी। और हमारे व्यूवर्स को पायल फिट भी वीडियो पसंद होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम सभी कुछ लगा के ही वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो जैसे भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं क्या बोलते हैं, पाइल फिट वीडियो बनाने के लिए बार बार मैं समट रही हूँ कि मेरे नीचे जा रहा था, फिसल रहा था ये सारी हमारा। और मैं उस रस्सी तरफ नहीं जा रही हूँ क्योंकि रोड से हमारे नेबर्स वगैरह देखते रहते हैं, तो इसी वजह से मैं उस तरफ नहीं गई, और कपड़ा भी नहीं उठाने को गई वहाँ पे। और सारा हमारा ये देख सकते हैं कपड़ा सुखा के हो गया है फ्रेंड्स। और कपड़ा सुखा जाने के बाद पानी बोल रही हूँ कि कहाँ पे फेंके। और तावल हमने ये देखिए निकाल लिए हैं, अभी कोई नहीं था दरवाजे पे, तो झट से हम यहाँ पे कपड़ा निकाल लेते हैं। और ये जो है हस्बैंड जी का चड्डी, और उसके बाद तावल नहीं सुखा है, धूप जो है आजकल कम करता है, दिन छोटा करता है इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूटीन के साथ, तब तक लिए बाय बाय।